अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सामूहिक गैंग रेप कर हत्या करने वाले 3 अभियुक्त में अवैध शस्त्र गिरफ्तार। रायबरेली के थाना बिछरवा क्षेत्र के हरिद्वाई गांव में बीते 17 मार्च को शौच के लिए गई युवती के साथ गैंग रेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 युवकों का नाम श्यामू राम किशोर उर्फ बाबा व राजकुमार निवासी गांव हरदुआई थाना बिछरवा के रहने वाले हैं। इनमें से श्यामू के पास से एक तमंचा 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते 17 मार्च को इन 3 अभियुक्त ने मृतिका रोशनी के साथ पहले गैंग रेप किया, फिर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए और 3 ने गैंग रेप के बाद हत्या करने की बात स्वीकार की है। वहीं मृतिका के परिजनों की माने तो इन 3 आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि इन जैसे लोग कभी किसी की बहन बेटी को अपनी हवस का शिकार ना बनाएं। रायबरेली से कपिल देव की रिपोर्ट। रोशनी पासी नाम की युवती शौच के लिए घर से बाहर गई थी। अगले दिन शाम को डेड बॉडी उसकी बरामद की गेहूं के खेत से। परिजनों द्वारा 302 IPC का मुकदमा अज्ञात लोगों के विरुद्ध बताया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी दुपट्टे से गला करके हत्या होने की और उनके साथ बलात्कार होने की पुष्टि होने से संबंध में क्राइम ब्रांच स्वाट सर्विलांस और बछरावा थाना पुलिस को लगाया गया। तो इस पूरे मामले का आज खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इन 3 ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि 17 तारीख को शाम को जब वो घर से शौच के लिए निकली थी, इन 3 ने शराब के नशे में खुद होकर तमंचे के बल पे उसको ओवर पावर किया और गेहूँ के खेत में ले जाके बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। बाद में जब उसके द्वारा ये शिकायत की गई कि वो गाँव में उन लोगों के कृत्य का उन लोगों को बताएगी, उन लोगों द्वारा पहचान छिपाने की वजह से उसके दुपट्टे से ही गला और सब को पास के ट्यूबवेल के पीछे ले जाके गेहूँ के खेत में छुपा दिया गया। परिजनों द्वारा अब मुकदमा 302 IPC का दर्ज कराया गया था और उसमें अब 376 DIPC का और दिल्ली से और TRP चारबाग से और लखनऊ के कई थानों से बंद हुए गैंगस्टर वगैरह भी पे लगा रहा। ये बछरावा थाने के हवालात से भी फरार हो गए थे, उसका भी इनका मुकदमा था। ये 3 आपस में दोस्त, जब वो लड़की इनको दिखाई दी तीनों दारू। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही। और भी ताजा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।